अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अब्दुल मनान, होम्यो फिजिशियन। क्या होम्योपैथी मेडिसिन से लिंग के साइज को बढ़ाया जा सकता है और कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से लिंग का साइज कम रह जाता है? इस वीडियो में जानेंगे वो सभी वजूहात जिसकी वजह से लिंग का साइज कम रह जाता है और इस वजूहात की सबसे अफेक्टिव होम्योपैथिक दवाइयाँ, यानी जिस भी वजूहत की वजह से आपके प्राइवेट पार्ट का साइज कम हो गया है या जन्म से ही आपके प्राइवेट पार्ट का साइज जो है कम है। आइए इन सभी वजूहत को जानेंगे जिन भी वजह से लिंग का साइज छोटा रह गया है। 100% साइज को बढ़ाने के लिए इफेक्टिव होम्योपैथिक दवाइयाँ आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आज से प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। प्राइवेट पार्ट का साइज कम होने की वजूहात में से पहली वजूहात, दोस्तों, हमारा जो प्राइवेट पार्ट होता है वो गुब्बारे की तरह होता है। गुब्बारे में हम जितनी ज़्यादा हवा भरेंगे उतना ही इसका साइज बढ़ जाएगा। जितनी ज़्यादा हवा गुब्बारे के अंदर होगी गुब्बारे का साइज भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और उतनी ही ज़्यादा कड़कपन और उतनी ही ज़्यादा हार्डनेस गुब्बारे के अंदर आएगी। अगर गुब्बारे के अंदर हवा कम है या हवा किसी दूसरे रास्ते से लीक हो रही है तो गुब्बारे का साइज पूरा बड़ा ही नहीं हो पाएगा और इसमें ढीलापन रह जाएगा। दोस्तों, हमारा पीनस भी ठीक इसी तरह काम करता है। जितना ज़्यादा खून, जितना ज़्यादा ब्लड आपके प्राइवेट पार्ट के अंदर बढ़ता है उतना ही आपके प्राइवेट पार्ट का साइज बढ़ जाता है। दोस्तों, प्राइवेट पार्ट में कड़कपन भी तभी आएगा जब इसके अंदर फुल ब्लड फ्लो आएगा और वह ब्लड वहाँ रुकेगा, ब्लड किसी दूसरे रास्ते से लीक ना होता होगा, यानी ब्लड भरपूर आएगा और जब तक आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी पूरी ना हो तब तक वो वहाँ पर होल्ड रह सके। दोस्तों, जिन लोगों के पीनस में ब्लड सप्लाई की कमी होती है तो उनका प्राइवेट पार्ट जो है इरेक्शन के बाद भी छोटा दिखाई देने लगता है क्योंकि वहाँ ब्लड सप्लाई पूरी तरह नहीं होती है। अगर ब्लड सप्लाई आ भी रही है तो दूसरी तरफ से लीक हो रही होती है। नंबर एक, अगर हमारी आर्टरी ही ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं कर रही है, आर्टरी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गया है या बहुत ज़्यादा हाथ रसी या मास्टरबेशन की वजह से आर्टरी आपकी ख़राब हो गई है या शुगर या डायबिटीज़ की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपकी आर्टरी ख़राब हो गई है, आर्टरी के अंदर क्लाट बन गए हैं या आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया है, तो उन सभी वजूहात की वजह से आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड सप्लाई की कमी हो सकती है। और जब आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड सप्लाई की कमी हो जाएगी तो आपको लगने लगेगा कि आपके पीनस का साइज छोटा हो गया है। तो प्राइवेट पार्ट के छोटा होने की सबसे पहली वजह पेनिस में ब्लड सप्लाई की कमी है। चाहे वो ब्लड सप्लाई की कमी बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन की वजह से हुई हो, डायबिटीज़ की वजह से हुई हो या कोलेस्ट्रॉल की वजह से आई हो, वजूहत कोई भी हो, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा तीन ऐसी होम्योपैथिक दवाइयाँ जिनका अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी आर्टरी रिपेयर हो जाएंगी। आर्टरी के अंदर अगर कोई क्लाट है, अगर आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया है, ब्लड सप्लाई वहाँ पर ठीक नहीं है तो सभी प्रॉब्लम इन दवाइयों से ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको एक ही वजह बताऊंगा और इस एक वजह की तीन होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। ये पूरा वीडियो हम इसके तीन से चार पार्ट में ले रहे हैं। एक पार्ट आ जाएगा, दूसरा पार्ट कल आएगा और तीसरा पार्ट जो है तीसरे दिन आएगा। तो प्राइवेट पार्ट के साइज का छोटा होने की वजह नंबर एक, प्राइवेट पार्ट में ब्लड सप्लाई की कमी है। दोस्तों, अगर हम प्राइवेट पार्ट के साइज की कॉमन दवाई को समझते हैं तो पहली इसकी दवाई सिडोनिया वल्गरस है। सिडोनिया वल्गरस को मदर टेंचर की ताकत में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके 15 कतरे 3 टाइम जो है 1 कप पानी में डाल के पीने होते हैं। ये आपके प्राइवेट पार्ट के साइज को बढ़ाएगी और ब्लड सप्लाई की अगर कमी है वहाँ पे तो उसको भी ये बढ़ाएगी। इसके अलावा अगर आपके प्राइवेट पार्ट में आर्टरी का कोई मसला आ गया है, प्राइवेट पार्ट की जो आर्टरी है उसको रिपेयर करने के लिए स्टैफिसगेरिया 30 का इस्तेमाल करना है। स्टैफिसगेरिया 30 के 4 ड्राप सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम आपने जो है 2 घूंट पानी में डाल के पीने हैं। ये भी बहुत ही अफेक्टिव मेडिसिन है इसके लिए। इसके अलावा जो तीसरी मेडिसिन है वो है आर्निका। आर्निका को भी आपने 30 बार में लेना है। इसके भी 4 ड्राप सुबह, 4 दोपहर को, 4 शाम को आपने डेली लगातार लिया करनी है।
इसके अलावा जो कॉमन मेडिसिन है वो आपने साइडोनिया वर्गरस साथ में इस्तेमाल करनी है, ये बहुत ही इफेक्टिव है। इसके लिए इन मेडिसिन के साथ जो है इस कॉमन दवाई को भी साथ साथ आपने इस्तेमाल करना है। ये तीन मेडिसिन अगर आप लगातार इस्तेमाल करते हैं कुछ अर्सा, तो लगातार 1 से 2 मंथ लेने से आपको इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है आनी स्टार्ट हो जाएगी। लगातार इस्तेमाल करें, आपका मसला जड़ से ठीक हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहें और नया कुछ सीखने का मौका मिलता रहे। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।